इस पे तो पहले एक कोट पुट्टी का लग चुका था, लेकिन फिर से देखिए भाई यहाँ पे ऐसी तोड़फोड़ हुई। 3-4 महीनों में यहाँ पे दीदी के घर का काम भी पूरा हो जाएगा, फिर हम करेंगे गृह प्रवेश की तैयारी। यहाँ पे देखिए सगोड़े से खूब सारे ये आलू निकाल के रखे हुए हैं, और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी दीदी को दिखा रहे हैं इनके घर का काम। आजकल यहाँ पे बाउंड्री का काम भी पूरा हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम करीब 10:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज का मौसम देखिए भाई बड़ा सुहावना सा है, प्यारी सी तेज धूप खिली हुई है, और उसी के साथ यहाँ पे मैंने छत में जो करेले रखे हुए थे सुखाने के लिए वो भी अच्छी तरह से सूख चुके हैं हैं। अब इनको रख देते हैं साइड में। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है ऊपर त्रिगुनान गांव में जाने की, वहां मेरा कुछ जरूरी काम है, तो चलते हैं। वैसे तो हम हमेशा नहर वाले रास्ते से जाते थे, लेकिन आज हम जा रहे हैं भेंटी वाले रास्ते से, और यहाँ रास्ते के ऊपर से ये खेत हैं हमारे। बाकी परसों तो इनमें बहुत ही ज़्यादा आफत आई भाई, क्या ही बताएं। और आज हस्बैंड जी भी आ रहे हैं त्रिगुनान गांव की ओर। तो बरसात के टाइम पे देखिए भाई यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हुआ, ऊपर से जितने भी खेत थे ना वो पूरे नीचे आ गए, और यहाँ पे नीचे पे एक होटल भी है उसको भी काफ़ी ख़तरा हो गया, और पेड़ पौधे देखिए सारे टूटे हुए हैं यहाँ पे। अभी तो थोड़ा टेम्प्रेरी रास्ता लगाया हुआ है, तो अब जैसे ही यहाँ से बढ़िया सा पगडंडी वाला रास्ता बनेगा तो फिर आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आजकल ना यहाँ पे रोड भी काफ़ी चौड़ी हो गई है, नहीं तो यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी को जाने के लिए रास्ता ही था, आजकल यहाँ तक भी पूरा ये दीवार दे दिया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे गाँव को जाने वाली रोड का भी चौड़ीकरण होता जा रहा है, और अभी हम जा रहे हैं उधर धार तक पैदल, क्योंकि हमारी कार वहीं पर पार्क करी हुई है। तो इस साइड देखिए भाई खूब सारी गाड़ियाँ पार्क हो रखी हैं, क्योंकि पास ही में जोशी का हेलीपैड है, तो हेलीपैड के आसपास ना गाड़ियों की खूब सारी भीड़ लगी हुई है। और अब केदारनाथ यात्रा को भी 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, कुछ दिन बाद ना बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे, तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं इन 2-3 दिनों के अंतर्गत। तो कभी कभी यहाँ त्रिगुनान वाली रोड पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि रोड की कंडीशन ना इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है यहाँ। और जब भी यहाँ कोई यात्री आते हैं ना, तो हमने उनके मुंह से सिर्फ यही सुना है कि रोड की कंडीशन बहुत ही बेकार है और काफ़ी संकरी रोड है। डर भी लगता है ना इस रोड पर, कोई नहीं चोरी करूँगा और क्या चाहिए उसके ना। हाँ, मैंने एक साल बाद यहाँ काफ़ी अच्छी रोड बन जाएगी, उम्मीद तो यही है। उम्मीद यही है। हाँ, तो इस साल गर्मी इतनी ज़्यादा हुई कि जो सामने की पहाड़ियाँ हैं ना उनसे पूरी बर्फ पिघल चुकी है, और जो पानी के स्रोत हैं वो भी धीरे धीरे सूख चुके हैं। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, लेकिन इस साल सभी का कहना है कि ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ठंड तो पता नहीं, पर गर्मी बहुत पड़ गई इस बार ना। हाँ, इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिगुनान में, बाकी यहाँ पे खूब सारे यात्रियों की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। बाकी अब चलते हैं यहाँ से ऊपर दीदी लोगों के घर के रास्ते से, वहाँ पे दीदी लोगों का घर देख के भी आते हैं कि कितना काम हुआ है। मैं तो काफ़ी टाइम से आ रही हूँ यहाँ त्रिगुनान में, तो यहाँ पे जैसे ही हम मेन गेट से अंदर आए तो देखा यहाँ काफ़ी सारा काम हो रखा है। कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे ये बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, लेकिन आजकल यहाँ पे बाउंड्री का काम भी पूरा हो चुका है, यहाँ पे टाइल्स वगैरह भी लग चुकी हैं, और काफ़ी अच्छी टाइल्स ये बाउंड्री पर लगाई हुई हैं। बाकी यहाँ पे लाइट के लिए पूरा छोड़ा हुआ है चारों तरफ से, और यहाँ नीचे फर्श में भी टाइल लग चुकी हैं, ये देखिए जी काफ़ी अच्छी टाइल हैं। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही यहाँ सफाई हो जाएगी ना फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और ये देखिए जी यहाँ पे भी अभी टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं, इस साइड से भी लग चुकी हैं, यहाँ पे मिस्त्री भाई जी भी लगे हुए हैं कटिंग वगैरह करने पे पत्थर की। तो यहाँ पे ये है ग्राउंड फ्लोर, बाकी यहाँ भी लगभग वॉशरूम में टाइल्स का काम पूरा हो ही चुका है, और यहाँ पे इन तारों को देख के ना डर भी लग रहा है। तो सारे कमरों में यहाँ टाइल्स वगैरह का काम पूरा हो चुका है, बाकी यहाँ बालकनी में भी टाइल्स लग चुकी हैं, और अभी यहाँ पे ना बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बाकी यहाँ पे दरवाजे के ये जो फ्रेम है ना
इन पे देखिए पूरा ऐसा सीमेंट का दाग पड़ा हुआ है। तो बाद में ये जो सीमेंट के धब्बे हैं ना, इनको निकालने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं आ गई हूँ सबसे ऊपर वाली छत में। बाकी यहाँ पे चारों तरफ से देखिए टाइल्स वगैरह लग चुकी हैं। ब्लैक और वाइट टाइल का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फर्श पे भी पूरी टाइल्स लग चुकी हैं। और कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे ये वाला काम नहीं हो रखा था, ये वाला काम अभी अभी यहाँ पे नया हुआ है। यहाँ पे ये वॉशरूम है और इस साइड से ये किचन का एरिया है। ये देखिए जी काफ़ी सुंदर है, पूरी जगह टाइल्स लगी हुई हैं। और यहाँ से ठीक सामने के जो नज़ारे हैं ना, वो काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं। त्रिगुनारायण गांव दिखाई दे रहा है, त्रिगुनारायण की मार्केट दिखाई दे रही है और सामने से ये पहाड़ियाँ। अब कुछ टाइम बाद जैसे ही इनमें बर्फ़ पड़ जाएगी ना, फिर काफ़ी गजब की लगेंगी। आजकल तो देखिए पूरी बर्फ़ इनमें से पिघल चुकी है। तो धीरे धीरे आसपास के जो भी खेत हैं ना, वो भी खाली हो गए हैं। कुछ टाइम पहले तक इनमें खूब सारी राजमा बोई रहती थी, लेकिन आजकल लोगों ने यहाँ से राजमा भी निकाल दी है। और यहाँ पे देखिए भाई, घर के बगल ही में एक सगोड़ा है। यहाँ पे देखिए सगोड़े से खूब सारे ये आलू निकाल के रखे हुए हैं खेत में। ये देखिए जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आलू हैं। और यहाँ त्रिगुनारायण गाँव में ना ज़्यादातर राजमा और आलू की खेती की जाती है। और इस साल ना हमने भी आलू बोए हैं अपने खेत में, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद ना हम अपने खेत से भी आलू निकाल देंगे। तो अभी ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं ना, इन पर पत्थर लगने का काम बाकी है। कुछ टाइम बाद ये सीढ़ियाँ भी अच्छी तरह से चमक जाएंगी, जैसे ये वाली सीढ़ियाँ चमक रही हैं। बाकी यहाँ स्टेप पे तो ब्लैक कलर का पत्थर लगा हुआ है और राइजर पे ना ग्रे और ब्लैक प्लस वाइट उसमें मिक्स है। और अभी इस साइड से भी पूरी टाइल्स वगैरह लगना बाकी है। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे को कुछ दिखा रहे हैं। क्या है ये विंडो? ये विंडो बन गया अभी। अच्छा, और इसके बाहर से इधर भी मोल्डिंग हो गया अभी। अच्छा, फिर इसका लास्ट टाइम पे इसका लुक आएगा। ठीक है, अभी इसमें काम चल रहा है। अभी वैसे देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है। इसकी बाहरी मोल्डिंग होगी यहाँ पे ना। ठीक है देखने आगे क्या चल रहा है। बाकी यहाँ फर्स्ट फ्लोर में जो वॉशरूम वगैरह है ना, उनमें पूरा काम भी हो चुका है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर ये टाइल्स लगी हुई हैं। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और एक वॉशरूम इस साइड से भी है। यहाँ पे भी देखिए भाई, सेम टाइल्स लगी हुई हैं, ब्लैक और वाइट। तो 3-4 महीनों में यहाँ पे दीदी के घर का काम भी पूरा हो जाएगा। फिर हम करेंगे गृह प्रवेश की तैयारी, और गृह प्रवेश तो बड़ी धूमधाम से होगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राउंड फ्लोर है ना, इस पे तो पहले एक कोट पुट्टी का लग चुका था, लेकिन फिर से देखिए भाई यहाँ पे ऐसी तोड़फोड़ हुई। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल के फील्ड में। बाकी यहाँ से देखिए ठीक सामने दीदी लोगों का घर कितना प्यारा लग रहा है। अब कुछ टाइम बाद ना, जैसे इस पे बढ़िया सा कलर हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, तब और भी बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे ये पत्थर की कटिंग वगैरह हो रही है, और यहाँ पे सभी लोग देखिए भाई लगे हैं खेती बाड़ी के काम पे। तो दीदी लोगों के घर का काम देखने के बाद अभी हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं ऊपर की ओर। और यहाँ पे ये वाला रास्ता ना बिल्कुल चढ़ाई वाला है। और यहाँ पे देखिए अगल बगल पूरे अखरोट के ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गांव के गौशाला वाले रास्ते से। बाकी यहाँ जगह जगह देखिए भाई, गौशाला की छत में ऐसे न्यार के ढेर लगाए हुए हैं। और इसमें देखिए भाई खूब सारे ये कद्दू पीले भी हो रखे हैं। तो चलिए जी, पहुँच चुके हैं अपने घर में। बाकी यहाँ पे देखिए भाई, बरामदे में दीदी के खूब सारे आलू यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। और हमें यहाँ पे खूब सारी पीली ककड़ी देखने को भी मिल रही है। यहाँ पे भी कट्टे में आलू रखे हुए हैं। और अभी यहाँ पे हस्बैंड जी दीदी को दिखा रहे हैं इनके घर का काम कि कितना हुआ है। आप कब से नहीं गए वहाँ पे काम देखने के लिए? मैं 4-5 दिन पहले गई थी। अच्छा, लेकिन हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, ठीक है।